हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज की सबसे एक न्यू नोटिस जारी हुआ है, जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट निकली हुई है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। और जो आपका इंटरव्यू हेल्ड होगा 15 अप्रैल को होगा। वन पोस्ट है आपकी जूनियर रिसर्च फॉलो JRF एंड वन पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट सेकंड इन एन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR फंडेड प्रोजेक्ट होगा ये। और इसका जो टॉपिक है स्केलिंग ऑफ शॉर्ट कोर्स TB प्रिवेंटिव रेजिमेन कंटेनिंग आइसोनाइज्ड एंड रिपेंटिन गिविन वंस वीकली। तो इसमें एक हमारी वो भी चलती है HRZD, आपकी मेडिसिन भी चलती है देख सकते हैं। इसमें आइसोनाइज हो गई वन वीकली फॉर 3 मंथ 3 HP अमंग हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट ऑफ स्पूटम पॉजिटिव पल्मोनरी TB। तो ये तीन वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, स्पूटम पॉजिटिव पल्मोनरी TB। तो पल्मोनरी TB भी आपको मालूम होगा, एस्ट्रा पल्मोनरी TB दो प्रकार की होती हैं। पेशेंट्स ऑफ इंडिया आर डिमोनस्ट्रेशन प्रोजेक्ट आपका रहेगा 29/11/2024 तक ये वैलिड, बढ़ भी सकता है। जूनियर रिसर्च फॉलो में अगर आपको अप्लाई करना है एक पोस्ट के लिए, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिग्री इन बेसिक साइंस विथ रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में आपके पास, वो भी 2 साल का। 35 ईयर इसमें मैक्सिमम एज है। कंसुलेटर आपको 37,000 रुपये इसमें सैलरी मिलेगी। सेकंड है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट सेकंड वन पोस्ट है। 12th साइंस है विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रिसर्च फील्ड है, आप पास अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल इसमें एज लिमिट है और 18,000 आपको सैलरी इसमें देखने को मिलेगी, प्लस आपका इसमें HRA भी आपको मिलेगा अलग से। नेक्स्ट है टर्म्स एंड कंडीशन भी है इसमें। तो दिस एंगेजमेंट इज प्योरली कॉन्ट्रैक्टल एंड को टर्मिनेट विद द प्रोजेक्ट है इसमें। अगर प्रोजेक्ट बंद होता है तो टर्मिनेट भी कर सकते हैं। द एंगेजमेंट विल बी कम्प्लीटेड 29/11/2024 तक है। द सिलेक्शन कैंडिडेट विल हैव नो क्लेम फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है, आप गवर्नमेंट से ये नहीं कह सकते कि हमें परमानेंट कीजिए। नो TADA एंड HRA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। तो ये सब आपके लिए सब जॉब के अगर आप सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में ही मिलता है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डज नॉट गारंटी फॉर सिलेक्शन, ये गारंटी नहीं है। एज रिलैक्सेशन ICMR गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मिलेगा और NDA की जो हमारी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। दोनों पोस्ट का आपका 15 अप्रैल को है, 10 बजे मॉर्निंग में, 10 से 11 के बीच में आप जा सकते हैं ऑडिटोरियम में NITRD में। और इंटरव्यू डेट एंड टाइम आपको बता रखा है 15 अप्रैल 2024। रिपोर्टिंग के बाद आपका जो इंटरव्यू होगा 11:30 बजे से चालू हो जाएगा। द फॉर्मेट फॉर सबमिटिंग द बायोडाटा इज अटैच्ड है। नो कैंडिडेट विल बी इंटरमीडिएट विदाउट फॉर्मेट। तो आप बगैर फॉर्मेट के जमा जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक बेसिक जानकारी दे रखी है। द कैंडिडेट शुड अपेयर फॉर इंटरव्यू अलॉन्ग विद बायोडाटा असिस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। द कैंडिडेट ऑल्सो रिक्वायर टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल्स फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। प्रोफार्मा आपके लिए प्रोवाइड करवा रखा है, ये प्रोफार्मा है आपका। आपको यहाँ पर लिखना होगा जिस भी पोस्ट का आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर JRF के लिए तो JRF, प्रोजेक्ट टेक्निकल के लिए तो प्रोजेक्ट टेक्निकल ग्रेड 3। नेक्स्ट है आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे सुंदर सा पूरा, एज लिखेंगे एज ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, कितनी एज के हो जाएंगे आप, और सेक्स लिखेंगे मेल फीमेल, पिताजी का नाम लिखेंगे, हस्बैंड का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ कोई एक सिंगल, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, और करेस्पॉन्ड्स एड्रेस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट इन किलोमीटर में भी लिखेंगे आप, कॉन्टैक्ट फोन नंबर तो ये सब मैप पे आप देख सकते हैं, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पर आप रिसर्च एक्सपीरियंस लिखेंगे, और आपको हर पेज पे साइन कर देने हैं, ठीक है। ये PDF आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूँगा दोनों। और आपको इसके बाद में क्या करना है, इसको लेके जाना है, और आपको अपेयर फॉर इंटरव्यू अलॉन्ग बायोडाटा लेके जाना है, ये वाला बायोडाटा असिस्टेड कॉपीज होगी। तो जितने भी आप कितनी क्वालिफिकेशन हो गई, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, अगर एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तब भी या ना ले रहे हैं तब भी नहीं, और आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया जिसे हम डोमिसाइल बोलते हैं, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, कंप्यूटर नॉलेज है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास सब लेके जाइए। अगर आप प्रेजेंट टाइम में कहीं कर भी रहे हैं तो वो NOC की आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात में जरूरत पड़ेगी, आप जा सकते हैं, और आप सर्च कर लीजिएगा या ऑडिटोरियम NITRD आप आराम से पहुँच जाएंगे। ऐसे ही मोर अबाउट अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ जाएँ, हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट डालते रहते हैं और न्यू वैकेंसी की आपको अपडेट देते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, उस पर PDF आपको मिल जाएगी। थैंक यू।